Dear students, welcome to online class. I hope you will be fine and fit and studying properly. In this video, I am going to start a new topic, lesson 3, a magic pearl for class 8. First of all, you have to note down difficult words in your notebooks. And also listen what I am teaching with the help of your textbook. बहुत interesting कहानी है. China is a land where folk tales abound. चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी लोक कथाएँ प्रचलित हैं. Everything has a story behind it, and there is a legend for almost anything you can set your eyes on. लगभग हर चीज के पीछे कहानी है और प्रत्येक चीज जो भी आप आँखों से देखते हो उसकी एक पौराणिक कथा है. The present tale is a beautiful story of how two mountains and a lake were born. इस कहानी को आप देखेंगे इस कहानी में कि किस तरह से एक सुंदर सी कहानी दो कहानी में किस तरह से दो पर्वतों और झीलों की उत्पत्ति हुई. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज स्नो व्हाइट जेड ड्रैगन लिविंग इन रॉक केव ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ सेलेस्टिकल रिवर. बहुत समय पहले एक जेड ड्रैगन एक बहुत ही स्नो व्हाइट और सफ़ेद सफ़ेद जेड ड्रैगन था जो कि सेलेस्टिकल नदी के किनारे पूर्वी किनारे पर रहता था. इन द ग्रेट फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गोल्डन फोनिक्स. और बड़े से जंगल में नदी के पार एक सुंदर सा सुनहरा फोनिक्स रहता था. लीविंग देयर होम एवरी मॉर्निंग द ड्रैगन एंड फोनिक्स मेट ईच अदर बिफोर गोइंग देयर डिफरेंट वेज. लीविंग देयर होम अपने घर से निकलते वक्त हर सुबह द ड्रैगन एंड फोनिक्स. ड्रैगन माने आप जानते हैं ड्रैगन और फोनिक्स ये दोनों एक सारस के टाइप का क्रेन टाइप का है. एक ड्रैगन जो लंबी पूछ वाला डायनासोर टाइप का होता है. तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे गोइंग देयर डिफरेंट वे अपने अपने रास्ते पर जाने के लिए. वन फ्लू इन द स्काई एक आसमान में उड़ जाता था वाइल्ड अदर स्वान इन सेलेस्टिकल रिवर जबकि स्वान माने तैरता था जबकि दूसरा जो है नदी में तैरता था जलचर था. वनडे बोथ केम जलचर क्या उभयचर कहिए जो कि थल और जल में दोनों रह सकता है. वनडे बोथ केम ए फेरी आइलैंड एक दिन दोनों ही परियों के देश में आ गए. देयर दे फाउंड शाइनिंग पेबल एंड वर फैसिनेटेड बाई इट्स ब्यूटी. वहाँ पर वो एक सुंदर से चमकते हुए पत्थर से पत्थर पाया उन्होंने और उसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत आकर्षित हुए. लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस पेबल इज गोल्डन फोनिक्स सेड टू जेड ड्रैगन. स्वर्णिम उस फोनिक्स ने जेड ड्रैगन से कहा देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा पेबल है. लेट अस कार्व इट इनटू अ पर्ल सजेस्टेड जेड ड्रैगन. जेड ड्रैगन ने कहा एक इस कीमती सुंदर से पत्थर को हम तराश करके एक मोती बनाएंगे. गोल्डन फोनिक्स नॉडेड इन एग्रीमेंट. गोल्डन फोनिक्स ने अपनी स्वीकृति दे दी कि ठीक है. देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. इसके बाद वो उस पर कार्य करने लगे. जेड ड्रैगन यूज टू क्लास एंड गोल्डन फोनिक्स हर बीक. जेड ड्रैगन
अपने पंजों का प्रयोग करता था और गोल्डन फोनिक्स अपनी चोंच का प्रयोग करता था। दे कार द पेबल डे आफ्टर डे, उन्होंने उस पत्थर को दिन प्रतिदिन तराशा, मंथ आफ्टर मंथ कई महीनों तराशा, अंटिल दे फाइनली मेड इट इनटू ए परफेक्ट स्मॉल राउंड बॉल। उसके बाद में उन्होंने कई दिनों तक मेहनत करने के उपरांत उन्होंने उसे एक सुंदर सा गोलाकार मोती बनाया। इन हाई स्पिरिट गोल्डन फोनिक्स फ्लू टू द सेक्रेट माउंटेन, ऊंची भावनाओं के साथ गोल्डन फोनिक्स एक पवित्र पर्वत की ओर उड़ गया। टुगेदर ड्यू ड्राफ्स एंड जेट ड्रैगन कैरीड ए लॉट ऑफ क्लियर वाटर फ्रॉम द सेलेस्टिकल रिवर, और उस पवित्र पर्वत से कुछ जो है ड्यू ड्राफ्स माने ओस की बूंदों को जेट ड्रैगन खा लाया, नहीं फोनिक्स गोल्डन फोनिक्स ले आई लिया, दोनों के प्रयासों से काम हो रहा। जेट ड्रैगन जो है बहुत सारा जल उस सेलेस्टिकल वाने दिव्य नदी से ले आया। दे स्प्रिंकल्ड एंड वाटर द बॉल, उन्होंने उस जल को उस पर छिड़क दिया, उसको धो डाला विद ड्यू ओस से एंड वाटर पानी से। ग्रेजुअली द बॉल टर्न इंटू अ डेसलिंग पर्ल, धीरे धीरे वह गोलाकार पत्थर एक चमकीले मोती के रूप में कन्वर्ट हो गया। दे हैड बिकम सो अटैच्ड टू ईच अदर, वे दोनों से इतना ज़्यादा अटैच्ड माने लगाव रख लिया, उससे इतना ज़्यादा आकर्षित हुए। एंड बोथ लव द पर्ल सो डियरली, दोनों ही उस मोती को इतना ज़्यादा चाहने लगे दैट नाइदर वॉन्टेड टू गो बैक टू द केव, कि अब मोती को छोड़ करके कोई भी केव में नहीं वापस जाना चाहते थे। एंड द फॉरेस्ट ऑफ जंगल में सो दे सेटल डाउन ऑन द फेरी आइलैंड गार्डिंग द पर्ल, इसलिए वो वहीं पर उस परियों के द्वीप पर उस मोती की रक्षा करते हुए बस गए। डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग पर्सन विल बी टॉक यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।